इस चैनल पर दिखाए जाने वाले किसी भी वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं और धार्मिक श्रद्धा व आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इन वीडियोस को व्यक्तिगत अनुभव, आप बीती इंटरनेट व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। ये चैनल वीडियोस में बताए जाने वाले किसी घटना के सत्यता की पूर्णता पुष्टि नहीं करता। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी वीडियोस को अंधविश्वास, रूढ़िवाद, सामाजिक बुराइयों व गलत धारणाओं के प्रति जागरूकता फैलाने, वैज्ञानिक सोच विकसित करने एवं मनोरंजन, ज्ञान और जानकारी बांटने के उद्देश्य से बनाया गया है। धन्यवाद। 2004 अगस्त का समय, बाढ़ जा चुकी थी। बिहार की कहानी है, ये कहानी ना कहें घटना है। और सभी किसान और मजदूरों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता हो गई थी उसके मवेशियों के लिए चारा का जुगाड़ करना। तो किसान मजदूर निकल गए खेत में या जो खुला स्थान है जहां उसको घास मिल सके। तो मगनू भी वहां घास काट रहा था और उसका बेटा बड़ा और माझिल बेटा दूसरे बगल वाले खेत में। अचानक उसे लगता है कि उसे कुछ चुभा और धीरे धीरे शरीर उसका सुन्न पड़ने लगा। उसने आवाज़ लगाई अपने बेटे को। बेटे आए, उन्हें देर न लगा ये समझते हुए कि किसी सांप ने काटा इसे। फटाक से अपने चारपाई पे लोड करके बगल के ही किसी से चारपाई लेके आए और आनंद फान उन्हें भीड़ लग गया और उन्हें लेके चला गया तांत्रिक के पास। तांत्रिक झाड़फूक करता है, बहुत एक डेढ़ घंटे के बाद कहता है कि संभव नहीं है इसे बचाना, क्योंकि कोई साधारण सांप नहीं था, इसको किसी ने जानबूझ के मरवाने के लिए सांप भेजा था। यानी यहाँ डाइन का चक्कर भी आ रहा है। झाड़फूक करते रह गए लेकिन उसका जान बचा नहीं पाए। वापस जब आता है वो दोनों बेटा मगनू को लेके, मगनू के सब को लेके, उसका छोटा बेटा बिफड़ पड़ता है। वो चिल्ला जाता है कि मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले चलो, बच्चा पढ़ता था स्कूल में, हॉस्पिटल ले चलो। वो उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है कि मगनू सच में गुजर चुका है। अगर आधे घंटे पहले भी वो आता तो उसे बचाना संभव हो सकता था। आज वो छोटा लड़का अपने दोनों बड़े भाइयों को अपने पिता का कातिल समझता है। तो ये जो घटना है आज की नहीं है, बहुत शुरू से भी चला रहा है और आज तक चला रहा है। हम लोग 21वीं सदी में हैं लेकिन फिर भी अंधविश्वासों के मामलों में हम किसी से कम नहीं। अब आप कहोगे कि ये सभी धारणाएं तो अशिक्षित लोगों का है, क्या ये बात सही है कि ये सभी धारणाएं, ये सभी अंधविश्वास केवल अशिक्षित लोग मानते हैं सच में? चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बहुत सारी ऐसी मान्यताएं जो जाने अनजाने में हम सभी आदमी कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का क्या सच है, क्या लॉजिक है, क्या आप जानते हैं? तो बने रहिए मेरे वीडियो में ताकि आपको पता चल सके कि ये सभी मान्यताओं के पीछे का वास्तविक लॉजिक क्या है। और अगर आपको ये लॉजिक और ये बातें अच्छे लगें तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, साइंस एंड सुपरस्टिशन पार्ट 2, विज्ञान और अंधविश्वास भाग 2। और आज का पहला मान्यता कि सांप को जब मारो तो उसका सर अच्छे से कुचल डालो। बहुत लोगों ने ऐसा कहा, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि सांप जब आप मारते हो तो उसके आंख में उसका इमेज, यानी मारने वाले का इमेज फिट हो जाता है और सांप के परिवार से कोई अगर देख ले तो वो फिर बदला लेता है। धन्य भाग हमारे बॉलीवुड की फिल्म जो ऐसा कंसेप्ट हम लोग को देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सांप के दांत पे अगर हमारा पैर या शरीर का कोई हिस्सा पड़ जाए या गलती से, अभी ये बात जानते हो कि बहुत जीव मरने के बाद भी थोड़ा एक्टिव रहता है उसका दिमाग का भाग खास तौर पे, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जाने अनजाने किसी का पैर अगर पड़ जाता है तो उसका जहर हमारे शरीर में फैल सकता है। और साथ ही इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सांप को मारने का तो उसे दफना दें, किसी और को नुकसान इससे नहीं पहुंचे। सबसे पहली बात है, आप लोगों से आग्रह है कि सांप को आमतौर पर ना मारें। सांप की संख्या वैसे दुनिया में कम हो चुकी है जिसके कारण जो पर्यावरण का एक संतुलन है वो खराब हो रहा है, ठीक है। सुरक्षा अपनी जगह पर, लेकिन झूठ मूठ के उसके पीछे निर्दयता दिखाना थोड़ा अमानवीय है। तो चलते हैं अगले मान्यता की तरफ कि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान अपवित्र होती हैं, उन्हें छूना वर्जित होता है। ये बहुत सारी बहुत जगह ये मान्यताएं देखी गई है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, तो बता दूं मैं। 1800 ईस्वी के अंत में यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत तक यानी 1880 से 85 के बीच में सैनिटरी पैड का आविष्कार हुआ। पेन किलर जो दर्द निवारक होता है वह 19वीं सदी के शुरुआत में आविष्कार हुआ। इससे पहले महिलाओं के पास अपने कष्ट को झेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो इस परिस्थिति में रेस्ट देने के उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने एक प्रथा निकाली कि इन्हें 5 दिन तक रेस्ट मोड में रखा जाएगा, थोड़ा परिवार से अलग रखा जाएगा ताकि वो घर के काम से थोड़े से बचे रहें और अपने काम को सीमित कर लेंगे जिससे वो अपने इस दुख को जल्दी रिकवरी कर पाए, समझ गए। लेकिन आज के लोग उसको क्या ले लिए हैं, एक बुराई ले ली है, समाज की एक बुराई बन गई, बहुत जगह अभी भी चल रहा है कि इस पीरियड में, इस समय में महिलाओं को अशुद्ध या अपवित्र माना जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। अगली मान्यता पर चलते हैं कि ग्रहण के दौरान घर के बाहर क्यों ना जाएं, कुछ खाना पीना क्यों ना होना चाहिए, उसके बाद स्नान करना बहुत जरूरी है।
ध्यान रखें ग्रहण के दौरान, खासतौर पे सूर्य ग्रहण के दौरान, वैसे भी एक भौगोलिक कारण है, राहु केतु के बारे में बहुत कहानी हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन वास्तव में एक भौगोलिक कारण है। पृथ्वी, चंद्र, सूर्य जो भी एक रेखा में आता है, तो ये सभी घटनाएं होती हैं। तो इस समय आमतौर पर पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें बहुत ज़्यादा विसर्जित होती हैं, जिससे हमें नुकसान पहुँच सकता है। और खासतौर पर सूर्य ग्रहण के समय लोग आमतौर पर सूर्य ग्रहण को अपने कई बार खुले आँखों से देख लेते हैं, जिससे उनके आँखों पर, रेटिना पर असर पड़ता है, निकट भविष्य में उनके आँखों की रोशनी क्षीण हो जाती है। तो इससे बचाव करने के लिए आमतौर पर या कोई बाहर निकल गए तो उनको नहा लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए, ये लॉजिक है। बाकी पुण्य पाप का इससे कोई मतलब नहीं है। बीच में आप घर में खाते हो नहीं खाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, ज़रा सोचिए। चलते हैं आगे अगली मान्यता पे कि किसी के गुजर जाने के बाद आमतौर पर 10 या 12 दिन के बाद उसके श्राद्ध कर्म के दौरान बाल मुड़वाया जाता है। तो ये बाल क्यों मुड़वाया जाता है, इसके पीछे 3 लॉजिक है कि पहला, दुख प्रकट करने के लिए कि बाल मुड़वा लिए, अपना जो सबसे फेवरेट चीज़ है मेरा, सुख सुविधा जो है मेरे पास, जो भी फैसिलिटी मुझे मिल रहा है, खाना पीना या वस्त्र जो भी, उस समय एकदम साधारण कर लेते, उनके लिए एक दुख का एक बोध होता है मन में, पहला कारण तो ये है। दूसरा, जो कर्मकांड में बैठेंगे उनके कंसंट्रेशन के लिए बाल छिलना जरूरी है। आप देखेंगे बहुत भिक्षुओं को या बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कंसंट्रेशन का काम या फिर मेडिटेशन का काम करते हैं, वो बाल मुड़वाए रहते हैं। तो जो कर्मकांड में लगेंगे, उसके रिचुअल्स में लगेंगे, उनके लिए कंसंट्रेशन बना रहे तो वो बाल मुड़वाते हैं। अगला कारण ये भी है कि बाल मुड़वाना पिछले नेगेटिविटी को समाप्त होने का एक प्रतीक है, सिंबल है कि पिछले जो भी दुख दर्द हैं वो समाप्त हुए, अब एक नया उम्मीद नए बालों के साथ आएगा और हमारी जिंदगी में फिर से रोशनी फैलाएगा। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में, चलते हैं अगली मान्यता पे कि किसी एक विशेष दिन, जैसे हमारे हिंदू धर्मों में या ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे आमतौर पर प्रत्येक पूर्णिमा अमावस्या के बाद जो दिन आता है उस दिन कोई काम नहीं करना है, कोई शुभ काम नहीं होगा। आमतौर पे एक शब्द गांव में चलता है, भदवा, उसमें कोई काम नहीं होगा। मंगलवार को बाल नहीं कटवाना है, बृहस्पतिवार, शनिवार को इत्यादि आपको नाखून उखून नहीं कटवाना है। तो ये इसका क्या मतलब है, सीधा मतलब है ये बहुत पुराने ज़माने की एक प्रथा है और सही प्रथा है, मैं आपको बता दूँ, आप ध्यान से देखिए आपको भी समझ में आएगा। पहले ज़माने के लोग एक मजदूरी का ज़िंदगी जीते थे, रिसोर्स कम होता था, पैसे का स्रोत बहुत कम था, तो दिन रात मजदूरी करके, मेहनत करके हर जगह घर चलाया करते थे। उसके बीच में उनको कोई समय नहीं बचता था, तो किसी कारण उनको रेस्ट मिले, समय बचे, जिससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। आप ये भी देख लीजिए आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जाके कि लोगों का मृत्यु दर कितना था, कितने लोग ज़्यादा दिन तक जीवित रहते थे, स्वास्थ्य विकार के कारण प्रायः गुजर जाया करते थे। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं यानी कि दवाइयों या मेडिसिन का इतना आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय ये प्रथा, एक व्यवस्था निकाली गई कि किसी न किसी बहाने एक दिन महीना में या दो दिन ऐसा निकाला जाए कि इस बहाने ये उस दिन रेस्ट करेंगे, कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे जो भी है। और नाई हरदम बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे, आज इसका बाल काटना है, इसका दाढ़ी काटना है, बेचारे को एक दिन की फुर्सत नहीं। तो मंगलवार को चुना गया कि उस दिन आप बाल नहीं कटवाओगे, जिस कारण से नाई, पुराने ज़माने के नाई को, बेचारे को थोड़ा रेस्ट मिल जाए और एक दिन का वो आराम कर सके घर पे, बाकी दिन जो काम करना है करे, ठीक है। तो इसके पीछे का ये लॉजिक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले और मज़ेदार लॉजिक पे। गाँव में या घर गृहस्थी में आमतौर पर देखोगे, शाम में सांप का नाम मत लो, सुबह में बंदर का नाम मत लो, इस गांव का नाम पार्टिकुलर मत लो, ठीक है, कैंची मत बजाओ, पैर मत हिलाओ, ये सब क्या है भाई, क्या है? सीधा बात है, कोई पैर हिलाता है कंसंट्रेशन खराब होता है, बच्चे को समझा दीजिए भाई इसे बेटा कंसंट्रेशन खराब होता है और आपकी आदत भी बुरी हो जाती है, एक दूसरा फालतू का आदत लगता है। कैंची बजाने से उसका धार भी खराब होता है और नुकसान हो सकता है, आपको चोट पहुँच सकती है, बच्चा समझेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझेगा, थोड़ा समय देना चाहिए, ओके। सुबह में किसी का नाम नहीं लेना है, शाम में किसी का नाम नहीं लेना, संयोग ऐसा हुआ होगा कि उस समय उसका नाम लिया और उसके साथ कुछ घटना हो गया। अब चूंकि बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसा घटना हुआ, कौन बहस करेगा, चूंकि उन्होंने कह दिया नहीं करना है तो नहीं करना है, समझ रहे हैं कुछ नहीं और हम लोग वो नहीं करते, आज तक ये परंपरा को झेले जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही तक, और मज़ेदार वीडियोज पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। और ये कैसा लगा आपको वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, जय हिंद।